ना उसे कोई बात समझ में आ रही है और ना ही कोई हकीकत दिखाई दे रही। वो मम्मी और पापा की वजह से बहुत परेशान है। मम्मी और पापा दोनों इस रिश्ते के खिलाफ हैं। और साथ चाहता है रूही से शादी से पहले वो दोनों मान जाएं। हम कभी राजी नहीं होंगे। आपकी तरह मुराद, कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हम नहीं जानते कि सही फैसले हैं या गलत, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। आप प्लीज दोनों की शादी होने दें। हो सकता है इसी तरह से रूही को उसके ख्वाब मिल जाएं और साथ को उसकी मोहब्बत। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पूरी चीज से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। डर लग रहा है कहीं साद और रूही का रिश्ता टूट गया, ये शादी नाकाम हो गई। साद की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? रेहान को देख रही थी। आप लोग डिनर पर रूही को क्यों नहीं बुलाते हैं? मैं तो खैर अभी आया हूं, मगर रूही तो इसी घर में रहती है ना? वो इस घर में रहती जरूर है लेकिन हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। मगर मामा वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो। एनीवेज मुझे जो कहना था मैं कह चुका।